वेस्ट बंगाल कोऑपरेटिव सर्विस कमीशन की वैकेंसी आई हुई है, लेकिन साथ ही विवाद भी खड़ा हो गया है। दरअसल विवाद इस बात पर है कि उम्मीदवारों के एलिजिबिलिटी के लिए 10th और 12th यानी माध्यमिक और उच्च माध्यमिक में फर्स्ट और सेकंड लैंग्वेज में बांग्ला भाषा होना लाजमी है यानी मस्ट है। राज्य सरकार के इस फरमान से लाखों स्टूडेंट्स नाराज हैं। वजह यह है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स फर्स्ट और सेकंड लैंग्वेज में हिंदी या इंग्लिश चुनते हैं, जो उर्दू बोर्ड से पढ़े हुए हैं वो उर्दू चुनते हैं। ऐसे में हिंदी भाषी और उर्दू भाषी स्टूडेंट्स काफी निराश हैं। ऐसे लोगों का सवाल है कि आखिर हमारा क्या कसूर है जो इस तरह रेस्ट्रिक्शंस डालकर हमें वैकेंसी अप्लाई करने से रोक दिया जा रहा है। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल सरकार ने पिछले 22 दिसंबर से 21 जनवरी 2022 तक इस वैकेंसी को अप्लाई करने का समय सीमा दिया है। राज्य सरकार ने एक वेबसाइट देकर www.webcsc.org पर छात्रों से तय समय में एप्लीकेशन भरने का अनुरोध किया है, लेकिन भाषा को लेकर जो रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई है इसमें हिंदी और उर्दू भाषी छात्रों का साफ कहना है कि हमें बहुत ही बेहतरीन तरीके से छांट दिया गया है। पिछले साल भी जिन छात्र छात्राओं ने माध्यमिक और उच्च माध्यमिक दिया था और अपने फर्स्ट और सेकंड लैंग्वेज में उर्दू या हिंदी भाषा चुना था, वो भी इस एप्लीकेशन को फिलअप नहीं कर सकते हैं। उन छात्रों का कहना है कि हमारा क्या कसूर है। आपको बता दें कि छात्रों का यह भी कहना है कि बंगाल में पिछले चुनाव में उर्दू भाषी और हिंदी भाषी लोगों ने भी दोनों हाथों से टीएमसी का झंडा थामे हुए थे और टीएमसी की जीत में उनका भी बड़ा योगदान है। इसके बावजूद सरकार के इस नए फरमान में उर्दू भाषी और हिंदी भाषी लोगों को दरकिनार कर दिया गया है, उनके साथ नाइंसाफी हुई है। इसी मुद्दे पर पश्चिम बंगाल के एमआईएम के नेता इमरान सोलंकी से हमने बातचीत की, आइए सुनाते हैं। हमारे साथ पश्चिम बंगाल एमआईएम के नेता इमरान सोलंकी हैं। इमरान सोलंकी साहब, क्या लगता है आपको, बंगाल सरकार के इस नोटिफिकेशन से लाखों छात्र छात्राओं को जिन्होंने 10th और 12th में हिंदी, इंग्लिश या उर्दू एज अ फर्स्ट और सेकंड लैंग्वेज लिए हैं, उन्हें निराशा हाथ लगी है? देखिए, बराबर नाइंसाफी हुई है। आप बताइए, बंगाल में लाखों लाख तालिबे इल्म हैं जो उर्दू से ताल्लुक़ रखते हैं। हम लोगों ने यहाँ पर अपनी एक संस्था बना के रखी काफ़ी सालों से उर्दू एकेडमी के नाम से, जो अभी सरकार के जो राज्यसभा के एमपी हैं वो हैं और सरकारी लोग उसमें भी दखल करके रखे हैं अपना, और जितनी भी उर्दू की जो अंजुमन है सब में सरकार ने अपने लोगों को डाल दिया। सारे सरकारी लोग हैं, किसी को MLA टिकट दे दिया, किसी को राज्यसभा MP भेज दिया। तो सवाल यही है सर हमारा कि जब आप ममता बनर्जी बोलती हैं कि उर्दू को हम सेकंड लैंग्वेज का दर्जा देते हैं, और हम लोगों को याद है वो वक्त जब ममता बनर्जी ने सेकंड लैंग्वेज का वादा किया था, तो हमारे इलाके में जो बहुत सारे जो दलाल हैं, मैं तो दलाल बोलता हूँ उन लोगों को जो TMC के और MP और MLA बनकर बैठे हैं, उनको गला में माला डाला था हमारी आवाम ने, जनता के एक बहुत बड़ा काम फैसला लिया ममता बनर्जी हुकूमत ने। आज वो सारे दलाल कहाँ मुँह बनकर बैठे हैं, आज कहाँ कुछ बोल रहे हैं। उर्दू आप बताइए ना, उर्दू में आपको संविधान आर्टिकल 16 बोलता है कि आपको किसी भी राज्य में आप अपने नागरिकों के साथ में सरकारी महकमों में नौकरी में रोज़गार में आप ना लैंग्वेज की तरफ ना लैंग्वेज ना धर्म ना कास्ट की बुनियाद पर फैसला कर सकते हैं, डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पर तो आप बताइए, क्लास 10 और 12 के जो अभी ये कमीशन का जो कोऑपरेटिव सर्विसेज का जो आया है नोटिफिकेशन, इसमें एक भी उर्दू का तालीम नहीं बैठ सकता है उर्दू पढ़ने वाला, तो आप तो बराबर जो खारिज कर दिए हैं। और ये हमको तो हमें तो लगता है कि इस आर्टिकल 16 के खिलाफ वायलेंस है, ये संविधान का वायलेंस है। आप आर्टिकल 16 का वायलेंस कर रहे हैं, तो कैसे पॉसिबल है? क्या लगता है आपको कि ममता सरकार के इस आदेश से माइनॉरिटी को मायूसी हाथ लगी है? सर, हिंदी का तो अभी एकेडमी बनाया ममता बनर्जी ने, और हमारे यहाँ के जो जोड़ा था वो असेंबली के जो MLA है विवेक गुप्ता साहब, जो सनमार्क के हैं एडिटर, जो वाइस चेयरमैन शायद बने उसके, और ममता बनर्जी को मैं हिंदी से हमारी कोई नफरत नहीं है, बंगला से कोई नफरत नहीं है, लेकिन हमारा मसला ये है सरकार जब आकर बोलती है कि हम उर्दू को सेकेंड लैंग्वेज करेंगे, तो हमें लगता है कि ये सिर्फ वोट लेने का ढकोसला है, ये सिर्फ वोट लेने के लिए कर रही है। और वो आज सामने आ रहा है, कुछ दिन पहले आप समझिए इसको, जो हिजाब में जो लड़कियां थी, पुलिस का जो एडमिशन का फॉर्म आया था उसमें हिजाब देकर रिजेक्ट कर दिया 1100 लड़कियों को, आज इसके लिए रिजेक्ट कर दिया। मतलब आप खत्म कर रही हैं, आप रोजगार नहीं दे रही हैं।
इमरान सोलंकी साहब, आखिरी सवाल आपसे कि उर्दू भाषी लोगों को ऐसे में क्या लगता है, क्या करना चाहिए? हमारा मानना है, हम हमेशा बोलते हैं इस बात को, मीडियम आकर भी बोलते हैं, अपने मंचों से बोलते हैं कि हमें लगता है कि सिक्का का दो रुख है, ममता और मोदी, बीजेपी और टीएमसी अलग नहीं है। ये टीएमसी वही टीएमसी है, लोग भूल गए होंगे, हम नहीं भूले और ना हम लोगों को भूलने देंगे, ना हम अपने नस्लों को बोलेंगे भुलाएंगे, उनको बता के जाएंगे ये कि यही ममता बनर्जी मैं बीजेपी के एनडीए के साथ में हुकूमत में थी, उनको समर्थन किया था, अटल बिहारी वाजपेयी को समर्थन किया था, तो हमें ये याद है, हम याद रखेंगे, जो लोग भूल गए उनको भी याद दिलाएंगे। और बिल्कुल आपकी बात सही है सर कि ये लोग जो है सिर्फ वोट लेने की बात करते हैं, उर्दू को दे दिया सेकंड लैंग्वेज कर दिया, मजाक बना के रखा उर्दू का, और हमारे जो एमपी एमएलए बैठे हुए हैं ये इनको सदन में हम लोगों ने ये नहीं कि नाच करने के लिए नहीं भेजा है कि डमरू बजाओ ये नाचते रहें, ममता बनर्जी जहां घुमाए ये घूमते रहें, बात हमारा ये है कि ये हमारे एमपी एमएलए आज खामोश क्यों है, आज आवाम खामोश क्यों है जो मासूम मुसलमान रमजान के महीने में जो ये खेला हुए नाच रहे थे। मुझे अफसोस था, मैं देख रहा था खड़ा होकर कि जब ममता बनर्जी की जब हुकूमत बनती है यहाँ पर, जब इलेक्शन का रिजल्ट आता है, रमजान का मुबारक महीना था, मुसलमान रोजा रखने के बाद में यहाँ पर खेलों में डांस कर रहे थे, बड़ी अफसोस की बात। आज वाकई मुझे लगा उस दिन, मैंने सोचा कि बेचारे मासूम मुसलमान, खेला भी इनके साथ हुआ और नाच भी ये लोग रहे, कितने अफसोस की बात है। ये सिर्फ वोट लेने काम करते हैं, वोट लेने के खाली बोलते हैं उर्दू, इनके जहन में सिर्फ आरएसएस घुसा हुआ है, ममता बनर्जी हो या कोई भी हुकूमत हो सेकुलर, जो सो कॉल्ड सेकुलर बन के रहते हैं ये सब आरएसएस है, ये अलग नहीं है मोदी से और आरएसएस से बीजेपी से।